हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा मिश्रा मैम। पिछली क्लास में हमने 17th-18th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर बात शुरू की थी, उसी कंटिन्यूएशन में हम आज बात करेंगे। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत हम बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टू पॉइंट्स, दैट इज शिफ्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टुवर्ड्स अटलांटिक एंड ट्रांस अटलांटिक ट्रेड, दैट इज ट्राइंगुलर ट्रेड। इस पूरे टॉपिक पर काम करने वाले और इस पूरे डिस्कोर्स पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, उनमें हम फर्नांड ब्रॉडल, डेविड अबुलाफिया, इमैनुअल ले रॉय लादुरी, माइकल पोस्टन, रॉबर्ट ब्रेनर जैसे विद्वानों का नाम लेते हैं। ओके, शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे, ये धीरे धीरे अपना व्यापारिक महत्व खोते चले जा रहे थे और ये सिर्फ कच्चे माल के निर्यातक के रूप में रह गए थे। एंड वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इटालियन सिटी ट्रेड शोइंग डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एज कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। और जो बाजार इटली खो रहा था वो ऑब्वियसली किसका गेन था? हॉलैंड का और इंग्लैंड का। फॉर एग्जाम्पल, फैशन क्लोथ्स, ये मोटे सूती खुरदरे कपड़े होते थे जिनकी बाहर के देशों में डिमांड थी, और स्पेन और इटली के जो बुनकर होते थे वो ही इनको बनाते थे और इटली इनको बेचता था और उससे उसको प्रॉफिट होता था। लेकिन धीरे धीरे फैशन क्लोथ्स की डिमांड कम होने लगी क्योंकि उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लोगों के पास उपलब्ध होने लगे। ओके, देन वर्क इन गोल्ड एंड कॉपर माइन्स इन दिस रीजन डिक्लाइन, टेकन ओवर बाय सिल्वर माइन्स एट पोटोसी बोलीविया। तो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो सोने की और तांबे की जो खाने होती थी उनमें धीरे धीरे काम कम होने लगा। इससे भी इसका व्यापारिक महत्व कम हुआ और उसकी वजह क्या थी कि जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज थी जैसे अमेरिका से स्पेन को और पुर्तगाल को बहुत सारा सोना चांदी मिला था, तो उस चांदी का इस्तेमाल अब होने लगा। और ये कहाँ पे पाया गया? ये पोटोसी बोलीविया, ये एक लैटिन अमेरिकी देश है जिसमें मिंट है। ओके, तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां अटलांटिक की ओर चली गई। वीकनिंग ऑफ द अर्बन इकोनॉमी ऑफ सेंट्रल यूरोप। हम ये देखते हैं कि इस पीरियड में सेंट्रल यूरोप या के मध्य यूरोप की अर्बन इकोनॉमी या शहरी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसका एक मुख्य वजह था, बहुत सारे कारण थे लेकिन जो सबसे मुख्य वजह थी वो थी डिटेरियोरेटिंग रिलेशंस बिटवीन हैंसियाटिक मर्चेंट्स एंड पोर्चुगीज मर्चेंट। जो पुर्तगाली व्यापारी होते थे और जो हैंसियाटिक मर्चेंट्स होते थे, हैंसियाटिक मर्चेंट्स कौन थे? ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के व्यापारियों का एक गिल्ड था, एक लीग थी उनकी, और 300 शताब्दियों तक इन्होंने बाल्टिक ट्रेड पे अपना अधिकार जमा के रखा हुआ था। तो जब इनके संबंध बिगड़े तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? सेंट्रल यूरोप की अर्बन इकोनॉमी पर, शहरी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। ओके, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड। इसको आप कह सकते हैं कि ये औद्योगीकरण का पहला चरण है। दिस इज नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। आप जानते हैं कि बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जो कि बेसिकली फैक्ट्री सिस्टम पे आधारित था, तो ये उस इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के पहले का फेज है। ओके, और ये कैसे काम करता था? देर वॉज अ ट्रेंड इन 16th सेंचुरी अमंग्स द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्राइसेस विच दे सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट द प्रॉफिट बैक इन सम काइंड ऑफ अदर बिजनेस वेंचर्स लाइक आर्टिजनल और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्शन विच हेल्प देम इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज हेल्प पीपल सर्वाइव इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, दैट इज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो यूरोप में जो छोटे किसान थे, छोटे पेजेंट्स थे, वो क्या करते थे कि वेट करते थे कि कब फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़े। जैसे ही प्राइस बढ़ते थे तो वो अपने पास रखा हुआ सरप्लस फूड ग्रेन मार्केट में उसको सेल करते थे, और जिस जो उनको उससे प्रॉफिट मिलता था उसको वो
उसको वो इन्वेस्ट करते थे छोटे बिजनेस वेंचर्स में, जैसे कुछ पीजेंस आर्टिजन्स भी थे, कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए थे, तो किसानी के अलावा वो कुछ और कार्य भी करते थे अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। तो इस तरीके से वो अपने आप को संकट काल से बचा के रखते थे। ओके, तो जब रूरल फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने, किसानों ने जब इस तरह के बिजनेस वेंचर्स में अपने परिवार का सहयोग लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य शुरू किया, तो ऑब्वियसली वो एक क्लैश हुआ उनका टाउन बेस्ड इंडस्ट्री से। हम इसको दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। लाइक कॉफ सिस्टम, जिसमें कि इंडिपेंडेंट पेजेंट्स होते थे, आर्टिजन्स होते थे, किसान और शिल्पकार होते थे, अपने घर के सहयोग से जो उत्पादन करते थे उसको वो इंडिपेंडेंटली उसको सेल करते थे और उसे प्रॉफिट अर्न करते थे। अनदर वन इज वर्लाक सिस्टम, दैट इज नोन एज पुटिंग आउट सिस्टम, टू पुट आउट रॉ मटेरियल टू द रूरल प्रोड्यूसर। इस पे मर्चेंट्स की भूमिका होती थी, जो व्यापारी, बड़े व्यापारी होते थे, वो ग्रामीण शिल्पकारों को, ग्रामीण किसानों को रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, और जो उत्पाद था उसके बनने की का पहला चरण यहाँ पे पूरा होता था, घरों में पूरा होता था। ठीक है, मर्चेंट्स रूरल फार्मर्स को और उनकी फैमिली को रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते थे, और फिर वो उसको थोड़ा शेप देते थे, उसको उस पर काम करते थे, पूरा परिवार इसमें लगता था, और उसके बाद वो या तो मर्चेंट को वो दे देते थे, ठीक है, मर्चेंट बनाने की प्रक्रिया के लिए उसको बाहर भेज देते थे उत्पाद को, और उसके बदले में व्यापारी उनके स्मॉल बिजनेस वेंचर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उनको मदद देते थे। तो इस तरीके से ये टू वे रिलेशनशिप चल रही थी। सो इन दिस वे, दिस वॉज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, मर्चेंट कैपिटलिस्ट लिंक विद द पीजेंट्स आर्टिजन्स एंड म फार्मर्स, दे प्रोवाइडेड हेल्प इन बिल्डिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ करके हम देख सकते हैं, वो हैं विंड पावर, सॉ मिल, शिप बिल्डिंग, स्विस वॉच मेकिंग एक्सेट्रा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, तो इसलिए हम पहले इस पे बात करेंगे। फ्लैंडर्स बेल्जियम में है। ओके, फ्लैंडर्स विच वॉज पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स हैड ट्रेडिंग टाउन्स लाइक गेंट, ब्रूज एंड ईप्र, विच मेड इट वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट अर्बनाइज पार्ट्स ऑफ यूरोप, नोन फॉर वीविंग द वूल ऑफ नेबरिंग लैंड्स इन टू क्लोथ फॉर बोथ डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो फ्लैंडर्स में ये कुछ ट्रेडिंग टाउन्स थे जहाँ पे वूल का, यहाँ पे ऊन की वीविंग होती थी, उसकी बुनाई होती थी, और उसे जो प्रोड्यूस निकल करके सामने आता था तो उसको डोमेस्टिक यूज के लिए भी रखा जाता था, और एक्सपोर्ट के लिए या निर्यात के लिए भी उसको रखा जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मच ऑफ द टेक्सटाइल कल्चर इन यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेड ऑन एशियन ट्रेडिशंस। फॉर इंस्टेंस, ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स ऑफ जींस और मल्टी कलर्ड कॉटन प्रिंट्स फ्रॉम इंडिया वर अ मेजर स्टेपल ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड नॉट इम्पैक्ट द वर्ल्ड ट्रेड मार्केट अंटिल द 18th सेंचुरी। तो 17th और 18th सेंचुरी में हम क्या एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं कि जो कपड़ा या वस्त्र उद्योग था उस पर एशियन परंपरा का गहरा प्रभाव था। जैसे कि हिंदी में जैसे हम छीट का कपड़ा बोलते हैं, छोटे छोटे मोटिव्स होते हैं सूती कपड़े पर, तो वही ब्रिटिश का शिंड्स है। ओके, सो इस पीरियड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा एशियन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थी। फिर बाद में इंग्लैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ गया था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। ओके, इंग्लैंड इंग्लैंड फ्लरिश ड्यूरिंग द स्टुअर्ट एज। दो राजवंशों के बारे में आपको मैंने बताया है, स्टुअर्ट और ट्यूडर। ओके, स्टुअर्ट कार्यकाल में इंग्लैंड व्यापारिक रूप से काफी आगे बढ़ गया। ओके, एंड वी सी दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। ओल्ड ड्रेपरीज ब्रॉड क्लोथ्स रिप्लेस्ड बाय न्यू ड्रेपरीज इंट्रोड्यूस बाय फ्लेमिश रिफ्यूजीज। फ्लेमिश रिफ्यूजीज मतलब फ्लैंडर से आए हुए शरणार्थी। ये रेफ्यूजीज तो थे लेकिन ये बहुत स्किल्ड लेबरर्स भी थे, स्किल्ड वर्कर्स थे। तो इन्हीं इन्हीं रिफ्यूजीज ने इंग्लैंड में ओल्ड ड्रेपरीज की जगह पर न्यू ड्रेपरीज को इंट्रोड्यूस किया था। जो पुराने मोटे चौड़े सूती वस्त्र होते थे उसके स्थान पर उन्होंने न्यू ड्रेपरीज, जो कि मच बेटर थी क्वालिटी में, उसको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया।
इंट्रोडक्शन ऑफ निटिंग मशीन बाय ली इन 1589 बट द ओनली वन इन यूज फॉर सेंचुरीज। 16वीं शताब्दी के लगभग अंतिम वर्षों में ली की निटिंग मशीन यूज़ होने लगी थी और काफ़ी लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया गया क्योंकि किसी और तरीके की मशीन उस समय उपलब्ध नहीं थी। फ्रेंच रिलीजियस इमिग्रेंट्स टू इंग्लैंड हुअर स्किल्ड लेबरर्स हैड अ ग्रेट डील ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्किल पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। जैसे फ्लेमिश रिफ्यूजीज ने यहाँ पे बहुत इंग्लैंड के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से फ्रेंच रिलीजियस इमिग्रेंट्स ने भी यहाँ के औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने पढ़ा है कि आपने धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ा है कि फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट ह्यूगनॉट्स के नाम से जाने गए, तो वही ह्यूगनॉट्स थे जो बहुत ही स्किल्ड लेबरर्स भी थे। ओके, तो जब ये लोग अपने देश को छोड़ के इंग्लैंड और जर्मनी और नेदरलैंड्स कई जगह पर गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया, तो इससे भी यहाँ की औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ। फ्रांस में लाइक यू नो कि कोलबर्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था वो वणिकवादी विचारों से प्रभावित था, तो अपने कार्यकाल में उसने फ्रांस में व्यापारवाद को बढ़ावा दिया एंड ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फ्रेंच इंडस्ट्रियल सिनेरियो। द इडिक्ट ऑफ नांत विच वॉज रिवोक्ड इन 1685 एंड मैनी फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स लेफ्ट फ्रांस एंड ट्रेवल टू इंग्लैंड जर्मनी एंड नेदरलैंड्स एंड दिस माइग्रेशन कॉज अ स्टीडी ग्रोथ ऑफ स्टाइलिश सिल्क फैब्रिक प्रोडक्शन थ्रू आउट यूरोप। जो सुंदर स्मूथ सिल्क फैब्रिक है उससे दुनिया का परिचय कराने का श्रेय इन्हीं फ्रेंच इमिग्रेंट्स को जाता है, ह्यूगनॉट्स को। ओके, जो एडिक्ट ऑफ नान था उसकी वजह से बहुत सारे फ्रांसीसी अपने आप को बंधन में महसूस करते थे और बाहर नहीं जा सकते थे। देर वॉज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन देम बट आफ्टर इट वॉज रिवोक्ड, द एडिक्ट ऑफ नान वॉज रिवोक्ड, देन दे कुड ट्रेवल टू अदर प्लेसेस एंड सो दे नॉट ओनली हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ देयर ओन कंट्री बट दे ऑल्सो सपोर्टेड द इकोनॉमीज ऑफ अदर नेशंस एज वेल। ओके, फ्रांस बिकेम द सेंटर ऑफ लग्जूरियस सिल्क टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंच पोर्ट ऑफ मार्से, वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन क्षेत्र में जो फ्रेंच पोर्ट था मार्से, वहाँ से बहुत सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाहर जाना सुगम हुआ और उससे फ्रांस में आर्थिक विकास में मदद मिली। ओके, हॉलैंड और इंग्लैंड में कृषि व्यवस्था। हॉलैंड और इंग्लैंड में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैट वॉज अ बिगनिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड एडॉप्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन हॉलैंड एंड इंग्लैंड। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉलैंड और इंग्लैंड में पहली बार कृषि क्षेत्र में उसके प्रबंधन में कैपिटलिस्ट मेथड को अडॉप्ट किया गया, पूंजीवादी तरीके को अपनाया गया पहली बार, एंड दैट ब्रॉट अबाउट द रीजनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, उससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया। वैरायटी ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स डाइज हर्ब्स स्टार्टेड बीइंग कल्टीवेटेड। अभी तक व्यावसायिक फसलों को कल्टीवेट करने का चलन नहीं था लेकिन अब हम देखते हैं कि ये काम हॉलैंड और इंग्लैंड ने शुरू कर दिया था। यूज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स, सो यूज ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड टूल्स लाइक थ्रेशिंग मशीन एक्सेट्रा, अब इनका उपयोग कृषि क्षेत्र में तेजी से होने लगा। एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स इज लाइक लीगल प्रोसेस जिसमें कि जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं उनको इकट्ठे करके एक बड़े फार्म में कन्वर्ट करना, और इससे फायदा क्या हुआ कि किसानों को उससे उस लैंड में काम करने में आसानी हुई, और क्योंकि गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करती थी तो इस वजह से उन किसानों को इससे सीधे लाभ हुआ और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और इससे एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ा। थ्री फील्ड सिस्टम एंड नॉरफोक फोर कोर्स क्रॉप रोटेशन सिस्टम। थ्री फील्ड सिस्टम फ्रांस में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया गया जिसमें कि जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जाता था, तो उसमें एक पार्ट में एक कॉम्बिनेशन क्रॉप्स ग्रो की जाती थी जैसे मक्का धान गेहूं आदि, दूसरे में दलहनी फसलें बोई जाती थी और तीसरे को फैलो
छोड़ा जाता था खाली या परती छोड़ा जाता था ताकि वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और साथ ही साथ वो पशुओं के चरागाह के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इंग्लैंड इससे भी एक कदम आगे निकल गया। आगे चल के उसने नॉरफोक फोर कोर्स क्रॉप रोटेशन सिस्टम को अपनाया कि उसमें जो फैलो लैंड को उसको खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि वहां पे फॉडर के लिए टर्निप और क्लोवर बोए गए। शलजम और तिपतिया घास इसको कहते हैं, तो उसको बोने की वजह से वो लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी वो कारगर साबित हुआ और साथ ही साथ पशुओं के लिए एक फॉडर की भी व्यवस्था आसानी से हो गई। तो इस तरह से इंग्लैंड ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जिसका उसको आगे चल के बहुत फायदा मिला। जैसे कहा भी जाता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ। ओके, द अनप्रीसीडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन ब्रिटेन ड्यू टू इंक्रीजेस इन लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी बिटवीन द मिड 17th एंड लेट 19th सेंचुरीज, इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट ग्रू 2.7 fold बिटवीन 1700 एंड 1870। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल हैव वन मोर लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू।